உங்க ஸ்மைல் கியூட்டா இருக்கு. வாமா ட்விங்கிள் கம்மன் ட்விங்கிள். चैनल कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो कि होने वाला है इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए। सो आजकल सब लोग इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे लुक क्रिएट किया जाए जो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होंगे और इंस्टा रील्स के लिए आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है स्विस ब्यूटी का एक प्राइमर हाईलाइटिंग जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे जो फेस को हाईलाइट करते हैं। सो आप लोग देखते हो बहुत ही ज़्यादा हमारे फेस को हाईलाइट कर देते हैं और मेकअप करने के लिए हाईलाइटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है प्राइमर की। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी जो आईब्रोज है उसको फिल कर ले रही हूँ एक स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट की मदद से जो कि आप लोग 200 रुपीस में मिल जाते हैं, कहीं पे भी आप ले सकते हो इसको अमेजोन पर्पल। और जितने भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अमेजोन पे से जाके आप परचेज कर सकते हो। सो ये जो आईब्रो किट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों को मिल जाता है 200 रुपीज़ में, और इसमें 3-4 कलर आप लोगों को मिल जाते हैं जो कि ब्लैक, ब्राउन या और भी एक कलर है। तो मैं ब्लैक और ब्राउन को लेके यहाँ पे अपना जो आईब्रोज है उसको फिल कर लिया। और अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही एक कंसीलर की मदद से अपना जो आईब्रोज है उसको अच्छे से शेप दे रही हूँ ताकि जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कि स्विस इनसाइड कॉस्मेटिक का एक फाउंडेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई कवरेज नहीं है, इसको मैंने हाई कवरेज बनाने के लिए एक चम्मच की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है ताकि हमारा जो फाउंडेशन है हाई कवरेज बन जाए। सो आप लोग देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसको कवरेज दे देता है। ये जो अगर ट्रिक आप लोग यूज़ करोगे ना तो 10 रुपये की फाउंडेशन को भी आप हाई कवरेज बना सकते हो 10 या 10 रुपीज़ में भी, जो जितने भी हमको हमारे मार्केट में फाउंडेशन मिल जाते हैं सबको आप वाटर प्रूफ या हाई कवरेज बना सकते हो। सो ये ट्रिक ज़रूर आजमाना, अगर आप लोग चाहो तो इसकी मैं वीडियोस एक बना दूंगी कि कैसे इसको उबाल के कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप लोगों को देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप लोगों को देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है फेस कनाडा का कंसीलर जो कि ये जो सेट है मेरे पास थोड़ा सा येलो टोन में आ गया है। सो इसको मैं थोड़ा सा यूज़ करके और नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है उसको भी यूज़ कर लूँगी ताकि हमारा जो ये सेट है मतलब अच्छे लगे दिखने में, नहीं तो ये येलो टोन में हो गया है ज़्यादा तो इसलिए थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे ये हाई कवरेज कंसीलर है दोनों। सो आप लोग दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज कंसीलर है स्विस ब्यूटी का, तो पूछो ही मत, हर कोई जानता है कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो होता है कितना ज़्यादा अच्छा होता है। सो अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो जरूर ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट में सो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ लैक्मी का लूज पाउडर, हमारे जो जितने भी मेकअप मैंने फाउंडेशन या कंसीलर को यूज़ किया है उसको सेट करने के लिए कोई भी आप लोगों को पाउडर की ज़रूरत होंगे तो आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हो जो आपके पास होगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लैक्मी का ये जो लूज पाउडर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पिंक टोन में आप लोगों को मिल जाते हैं, आप स्किन टोन के हिसाब से आप ले लेना। सो ये जो ऑर्डर है आप लोगों को 160 रुपीज़ तक मिल जाते हैं और इससे भी सस्ते में आप लोगों को मिल जाएगी, ऑफर चलते रहते हैं। सो इसको भी मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से एब्जॉर्ब कर रही हूँ। सो आप लोग देख सकते हो अच्छे से ये जितना अच्छे से आप लोग इसको डैप डैप करके सेट करोगे उतना ही अच्छा आपका जो मेकअप है वो क्लासी एंड ग्लोई दिखेंगे। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे NYVA का एक मेरे पास कंटूर है जो कि आप लोग देख सकते हो स्टिक में है। सो ये भी कंटूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका प्राइस मुझे मिल गया था 120 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएंगे अमेजोन पे या पर्पल पे। सो आप लोग देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं और इतना सस्ते में ये जो कंटूर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। सो आप इसको परचेज ज़रूर कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो, अगर ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो इतना सस्ते में आप लोग इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। सो आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा जो लुक है और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। सो कंटूर करना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो आप ना भी करो तो भी चलेगा, और मैं थोड़ा सा कर ले रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छा सा जो लुक है वो अच्छा लगे दिखने में और ज़्यादा। सो आप लोग बहुत ही
अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कंटूर करने के बाद फेस का जो लुक होता है वो थोड़ा सा चेंज लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और नेक्स्ट यहाँ पे ले रही हूँ मैं अपना जो अब मुझे करना है स्मोके आई मेकअप। सो आप लोग उसके लिए मैंने 5 रुपये वाला जो काजल होते हैं ना आप लोगों ने देख लिया होगा, उसको लेके मैं यहाँ पे ब्रश के मदद से उसको अब मैं ब्लेंड करूँगी अच्छे से ताकि हमारा जो आईज है वो स्मोकी सा हो जाए। और व्हाइट कुर्ती के साथ स्मोकी आई लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, तो इसलिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ स्मोकी आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप लोग देख लो मैंने यहाँ पे मेकअप जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ मैं। सो आप लोग अच्छे से ब्लेंड करना होता है इसको काजल को, तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ या फिर ब्यूटी का एक पायलट है मेरे पास छोटा सा। सो ये जो ऐसे तो पैलेट है इसकी प्राइस भी आप लोगों को 200 रुपीज़ में मिल जाते हैं। इसमें बहुत ही 6-7 आप लोगों को कलर मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। सो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से मैं इसको ब्राउन कलर को लेके इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपना जो मेकअप आई मेकअप है उसको कम्प्लीट कर लिया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो मेरे जो आई लाइनर है इनसाइड कॉस्मेटिक का, उसको मैं अच्छे से कॉर्नर में थोड़ा सा लगा लिया ताकि हमारा जो आई है वो बहुत ही शार्प दिखे और बहुत ही सुंदर दिखे। और ब्राउन कलर को लेके मैं अपना जो आईज के नीचे थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि हमारा जो आईज है वो स्मोकी दिखे। और अब मैं यहाँ पे प्लस लगा रही हूँ अपनी जो चिक है उसमें। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से लगाना होता है। और जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग लोगे ना ब्रश में उसको थोड़ा सा मतलब फॉलो आउट करके यूज़ करना होता है ताकि हमारा जो गाल है थोड़ा सा ज़्यादा रेड ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर से लग रहा है ये जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता देना। सो अब मैं यहाँ से एक पायलट है इसका नाम मुझे नहीं पता, यहाँ से मैं एक हाईलाइटर का जो सेट है इसी मेरे साथ उसको मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं जो हाईलाइटर पॉइंट है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो आप चाहो तो फिंगर टिप्स के मदद से भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो मेरे पास एक छोटा सा हाईलाइटर ब्रश है उसको यूज़ कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लगता है ये। अगर आप लोगों के पास हाईलाइटर नहीं है ना तो इस ऐसे सिंपल शेड अगर होगा ना आप लोगों के पास जैसे व्हाइट कलर में उसको भी आप प्लस के सॉरी हाईलाइट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का एक लिपस्टिक जो कि पिंक टोन में है। और उससे पहले मैं अपना जो स्विस ब्यूटी का एक लिप लाइनर के मदद से अपना लिप्स को थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिप लाइन कर लिया ताकि अच्छे से अच्छा लगे बहुत ही ज़्यादा लिप्स जो है। सो अब मैंने यहाँ पे लगा लिया है। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लग रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना जो मेरा जो ज्वेलरी है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। सो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई, हल्की हल्की सी।